हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय आरजू। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल पाकिस्तानी स्टाइल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जैसे कि ईद आने वाली है, अगर आप इस ड्रेस को ईद पर स्टिच करते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइज इसका फाइनल लुक बहुत प्रीटी आया है। कैमरे पर उतनी शाइनिंग नहीं कर रही है, बट रियल में बहुत प्रीटी लुक आया है इसका। जैसा कि डियर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह की ड्रेसेस काफी एक्सपेंसिव होती है, बट मैं हमेशा की तरह अफोर्डेबल में इस ड्रेस की डिजाइनिंग करने वाली हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज मैंने इसकी टोटल कॉस्ट कमेंट में पिन कर रखी है। तो इस ड्रेस की डिजाइनिंग करने के लिए मैंने नेट फैब्रिक का यूज किया है एंड लाइनिंग के लिए मैंने 10 साटन फैब्रिक यूज किया है एंड इस पर सेक्विन से हैंड वर्क किया है। गाइज दिस इज फॉर मीडियम साइज एंड मेजरमेंट्स वगैरह मैंने सारी स्क्रीन पर दे दी है। वीडियो में आगे जाने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो या गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की डिजाइनिंग करने के लिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर 7 मीटर नेट फैब्रिक यूज की है। 2.5 मीटर से हम दुपट्टे की डिजाइनिंग करेंगे एंड 4.5 मीटर से हम फ्रॉक की डिजाइनिंग करेंगे। एंड सेकेंड लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने 6 मीटर डट साटन फैब्रिक यूज की है। 1.5 मीटर से हम पैंट ट्राउजर की डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड कर लिया है। टॉप की लेंथ 15 इंच है एंड इसकी विड्थ 10.5 इंच है। सो नाउ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। सो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट के लिए हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच। एंड वेस्ट के लिए भी हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। एंड इंची टेप को इस तरह से रखकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यहां पर हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड सेंटर से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड फ्रंट एंड बैक आर्महोल के लिए राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड शोल्डर पर हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे एंड इंची टेप को इस तरह से रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, नाउ हम मार्क के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर देंगे। नाउ हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पर एंड इसी टेप को इस तरह से रखकर 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड अगेन 4 इंच पर निशान लगाकर इसी टेप को इस तरह से रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड सेंटर से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड स्केल को कुछ इस तरह से रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके सेंटर पर हम एक कट लगा देंगे स्मॉल। बैक पार्ट को अब हम रिमूव कर देंगे एंड फ्रंट पार्ट को अगेन फोल्ड कर लेंगे एंड इसके फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट आर्महोल की कटिंग हो चुकी है, नाउ हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नेट फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया है एंड दोनों टॉप पार्ट की राइट साइड हम ऊपर की तरफ रखकर बिछा लेंगे इस तरह से एंड सेम हम इसकी कटिंग कर देंगे। लाइनिंग फैब्रिक की राइट साइड हम ऊपर की तरफ रख लेंगे एंड इस पर नेट फैब्रिक को रख लेंगे एंड ऊपर से सेट करते हुए इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे एंड इसको भी सेम स्टिच कर लेंगे। नाउ हम आयरन पेपर पर फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। आयरन पेपर को इस तरह से हम टू फोल्ड करके इस पिन से सिक्योर कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। फ्रंट नेक डीप के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से एंड अगेन हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड स्केल को कुछ इस तरह से रखकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके सेंटर की मार्किंग कर देंगे 1.5 इंच पर। हाफ सर्कल बनाने के लिए मैंने ये वाली ढक्कन यूज की है। इस तरह से हम हाफ सर्कल बना लेंगे सेंटर पर रखकर एंड यहाँ पर भी हम हाफ सर्कल की मार्किंग कर लेंगे। 0.75 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन
एंड इंची टेप को इस तरह से रखकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको फैब्रिक पर स्टिक करेंगे। तो इस तरह से नेक को हम रख लेंगे एंड आयरन से हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए वन टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। इसकी विड्थ 6 इंच है एंड इसकी लेंथ 5 इंच है। अब दोनों नेक को हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रंट नेक को हम इस तरह से सेंटर पर रखते हुए इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतली डोरी बना ली थी ऑफ कैमरा। यहाँ पर हम 1.75 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड नेक को इस तरह से सेंटर पर रख लेंगे। डोरी को हम इस तरह से रख लेंगे नेक के अंदर एंड वन टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को स्टिच कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। एंड यहाँ पर हम इस तरह से स्मॉल कट लगा देंगे ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। एंड अब हम इसको रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। नेक को रॉन्ग साइड टर्न करने के बाद इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने हैंड स्टिचेस दे दिया है एंड एक सिलाई मैंने ऊपर से भी लगा दी है। एंड अब हम टक्स के लिए स्टिचिंग करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे एंड इस वाली साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के नेक की भी फिनिशिंग कर दी है। अब दोनों की राइट साइड हम इस तरह से अंदर की तरफ रख लेंगे एंड इसके शोल्डर्स को इस तरह से मिलाते हुए वन टाइम स्टिच कर लेंगे। एंड इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे। एंड अब हम इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे, इस तरह से वन टाइम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद बैक नेक की फिनिशिंग कर दी है एंड इसके फिटिंग के लिए भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम इस पर सेक्विन से हैंड वॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाली सेक्विन ली है, ये सिल्वर कलर की स्मॉल फ्लैट सेक्विन है। एंड सेकेंड मैंने फैब्रिक ग्लू ली है इसको स्टिक करने के लिए। सो फैब्रिक ग्लू को हम बिल्कुल इस तरह से लगा लेंगे नेक के साइड में एंड ग्लू पर सेक्विंस को 1/1 स्टिक कर देंगे एंड इसकी आउटलाइनिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके नीचे में डॉट डॉट करते हुए इस तरह से सेक्विन स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ हम 1 इंच का गैप रखते हुए सेक्विन स्टिच कर लेंगे। सेक्विन स्टिक करने के बाद अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो नाउ हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है एंड लाइनिंग फैब्रिक को हम इस तरह से नीचे की तरफ रख लेंगे। स्लीव की लेंथ 24 इंच है एंड इसकी विड्थ 10 इंच है एंड लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ 8 इंच है। सो ओपन साइड से हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे एंड 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। नीचे की तरफ हम 20.5 इंच पर निशान लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। नीचे की तरफ इसकी लेंथ 3.5 इंच है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे स्लीव पर एंड इंची टेप को इस तरह से रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
एंड यहाँ पर हम कर्व शेप की मार्किंग कर लेंगे स्लीव्स के लिए। सो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, नाउ हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसके एक पार्ट को हटा देंगे एंड इसको फोल्ड करते हुए वन टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है, अब हम स्लीव्स के एक पार्ट को रिमूव कर देंगे एंड राइट साइड ऊपर की तरफ रख लेंगे इसकी। इसके सेंटर पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। डोरी की लेंथ 4 इंच है, इसको फोल्ड करते हुए हम इस तरह से रख लेंगे एंड वन टाइम स्टिच कर लेंगे इस पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। एंड अगेन हम इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इस पर सेक्विंस अटैच करेंगे। तो पेपर को अब हम इस तरह से बिछा लेंगे एंड इस पर नेट स्लिप को रख लेंगे। यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड वहीं से हम सेक्विंस स्टिक करना स्टार्ट कर देंगे लाइन बाय लाइन, इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए हम सेक्विंस को स्टिक कर लेंगे। स्लिप के ऑल ओवर साइड 1 इंच का गेप रखते हुए हम उस सेक्विंस स्टिक कर लेंगे। सेक्विन स्टिक करने के बाद अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुकी है, नाउ हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड इसके फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सेकेंड स्लिप भी रेडी कर ली है, नाउ हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो लाइनिंग पार्ट की कटिंग करने के लिए अब मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है एंड फोर फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ जो है वो 35 इंच है। नाउ हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। सो इस तरह से पूरे सर्कुलर मोशन में हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड इन सभी लाइन को इवन कर लेंगे इस तरह से। इंची टेप को इस तरह से रखकर 14 इंच माइनस करते हुए हम 30 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड इसके टॉप से हम मेज़र करते हैं तो 35 इंच आती है। तो 35 इंच पर हम पूरे सर्कुलर मोशन में मार्किंग करते जाएंगे। इसकी मार्किंग को अब हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर लाइनिंग पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर लाइनिंग पार्ट की कटिंग हो चुकी है, नाउ हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। लाइनिंग वाली पार्ट को अब हम इस तरह से रख लेंगे नेट फैब्रिक पर, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से। सेम लाइनिंग पार्ट के जैसे ही अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। नेट फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम लाइनिंग पार्ट को इस तरह से साइड कर लेंगे एंड इसको ओपन कर लेंगे एंड इसके एक पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे एंड अब हम इसके बॉटम को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम इसको पेपर पर इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज मिरर यूज की है 1 पैकेट एंड सेकेंड स्मॉल साइज की सेक्विन। 1 इंच का गेप रखते हुए हम फैब्रिक ग्लू को इस तरह से ग्लू कर देंगे एंड मिरर के लिए हम 5 इंच की गेप रखेंगे। ग्लू करने के बाद फर्स्ट हम मिरर को इस तरह से स्टिक कर लेंगे
एंड सेकेंड इस तरह से सेक्विंस को स्टिक कर लेंगे। सेक्विंस के लिए हम 1 इंच की गेप रखेंगे एंड मिरर के लिए हम 5 इंच की गेप रखेंगे। सो इसी तरह से हम पूरे बॉटम पार्ट में वॉल्व को कंप्लीट कर लेंगे। नीचे की तरफ हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इसकी विड्थ 1 इंच रखेंगे हम एंड 1 बाय 1 हम सेक्विन स्टिक कर लेंगे इस तरह से। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मैंने सेकेंड स्टेप भी बताई हुई है। सो सेकेंड स्टेप में हम ग्लू को इस तरह से लगा लेंगे एंड सेक्विन को इस तरह से छींटते हुए लगा लेंगे। सेक्विंस को इस तरह से छींटने के बाद हम फिंगर की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर लेंगे एंड एक्स्ट्रा सेक्विंस को हम रिमूव कर देंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो इसके बॉटम में मिरर एंड सेक्विंस स्टिक कर दी है एंड नीचे की तरफ भी मैंने सेक्विंस अटैच कर दी है इस तरह से, आप देख सकते हो। बैक पार्ट में भी मिरर एंड सेक्विंस स्टिक कर दी है, आप देख सकते हो। एंड अब हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख लेंगे इस तरह से एंड इसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे 1 टाइम। इस साइड भी हम 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। लाइनिंग फैब्रिक को भी मैंने स्टिच कर लिया है एंड इसके नीचे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। लाइनिंग पार्ट को अब हम अपर पार्ट के साथ रख लेंगे इस तरह से एंड दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट को टॉप से अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। नाउ हम दुपट्टे की डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर दुपट्टे की विड्थ 35 इंच है एंड इसकी लेंथ 2.5 मीटर है। अब हम इसके साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड इस पर 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके चारों कॉर्नर को स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इस पर भी मिरर एंड सेक्विंग स्टिच कर लेंगे। सेम बॉटम पार्ट के जैसे इस पर भी हम 1 इंच की गेप रखेंगे एंड मिरर की 5 इंच पर रखेंगे। तो दुपट्टे की ऑल साइड हम इसी तरह से सेक्विंग स्टिच कर लेंगे। नाउ थर्ड ऑप्शन के लिए मैंने ये वाली लेस ली है सेक्विन, ये मैंने ऑनलाइन परचेज की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर चेक करना। तो दुपट्टे के साइड में हम इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेंगे एंड इस पर 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। तो सेक्विन लेस को हम इस तरह से रखते हुए इस पर 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। दुपट्टे की कॉर्नर वाली साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड इस पर भी हम 1 टाइम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। एक सिलाई हम ऊपर की तरफ से भी लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। सो दुपट्टे के ऑल साइड बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है, आप देख सकते हो ऑल साइड, एंड इस लेस से भी प्रीटी लुक आ रहा है। तो बॉटम को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। इस वाली लटकन को मैंने ऑफ कैमरा स्टिच किया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती। सो गाइज दिस इज दी फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो ये भी जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।